नमस्कार, स्वागत है आपका देश तक में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा है और अब तक 230 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मशहूर सिंगर कनिका कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कनिका लंदन से लौटी और कई पार्टीज में वो शामिल हुई। पार्टी में कई बड़े बड़े नेता, सांसद और ऑफिसर शामिल थे और अब इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। वसुंधरा राजे, उनकी सांसद बेटे दुष्यंत ने भी खुद को आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया है। दरअसल दुष्यंत संसद की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे, लिहाजा कई सांसदों में अब हड़कंप मच गया है। सांसद अनुप्रिया ने खुद को आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी इस पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। एहतियातन यहां पर बड़े बड़े नेता कदम उठा रहे हैं और ये इस वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि वायरस को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो खुद को अलग थलग करिए, समाज से कटिए, क्योंकि उसी सूरत हाल में आप बचे रह सकते हैं। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जानकारी के साथ। शिवेन, जिस तरह से कनिका कपूर का ये मामला सामने आया है और जिस पार्टी में वो शामिल हुई, कई बड़े बड़े नेता सांसद भी वहां पर मौजूद और खुद दुष्यंत, देखिए वो तो दुष्यंत सिंह तो संसद तक पहुंचे, ऐसे में जो ये दायरा है जिन लोगों के संपर्क में कनिका आई वो लगातार बढ़ता हुआ, क्या कदम अभी यूपी में उठाए गए हैं और इन बड़े नेताओं की तरफ से क्या कदम सामने आ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, यही चिंता की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी की लगातार बात हो रही थी कि सोशल गैदरिंग से बचिए। कनिका कपूर ने जो ये पार्टी अटेंड की उसके बाद मुश्किल ये हो गई कि इसमें लखनऊ ही नहीं बल्कि देश में जो हुई जू टाइप के लोग थे, जो काफी मशहूर थे, जिनको सोशलाइट भी कहा जाता है और वो तमाम ऐसी पार्टीज में जाते थे, वो लोग चपेट में आए हैं, वो लोग एक्सपोज हुए हैं और उनके जरिए अगर फैलना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए लखनऊ में जिस पार्टी में कनिका कपूर शामिल होती, उन सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने कॉल किया है, यहाँ पुलिस ने संपर्क किया है कि सेल्फ आइसोलेट करें वो लोग और सेल्फ आइसोलेट करने के साथ साथ ये भी रिपोर्ट करें कि आखिरकार उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसे कोई लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं, ताकि उनको फौरन मदद की जा सके। और इसके लिए सख्ती बरतते हुए यहाँ के प्रशासन ने ये भी कहा है कि सीसीटीवी के जरिए मदद से हम उन लोगों की पहचान करेंगे और जो अपने बारे में जानकारी नहीं देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, इसके अलावा जो सिंह प्रसाद के परिवार के लोग तमाम इसमें कनिका कपूर के साथ यहाँ तमाम और दूसरे बड़े लोग वो भी शामिल थे, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर जो हुआ है इस वायरस का वो बड़े जिस तरह की खबर शिवेन यहाँ पर हमें दे रहे हैं कि बड़े बड़े नेता और सांसद ने भी खुद को आइसोलेशन में रखा है, यानी खुद को अलग थलग किया है अपने घर और सामाजिक दायरे से। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आने वाले दिन, जिस बात का जिक्र लगातार तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कर रहे थे कि कैसे ये चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि स्टेज टू से स्टेज थ्री की तरफ अगर भारत जाता है, जब सामुदायिक तौर पर संक्रमण फैलता है, तो वो सबसे गंभीर, सबसे फेटल स्थिति भारत के लिए होने वाली है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर दोहरी मुसीबत में है। एक तो कोरोना वायरस ने उन पर वार किया है, दूसरी तरफ उन पर लगा है कोरोना को लेकर नियमों को तोड़ने का आरोप। कनिका पर आरोप लगा है कि वो एयरपोर्ट स्टाफ की मिलीभगत से मेडिकल जांच से बचकर घर चली गईं, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक लंदन से आने वालों की स्क्रीनिंग होती है। आरोप ये भी है कि इसके बाद भी वो लोगों से मिलती रहीं। लखनऊ में पिछले रविवार को कनिका पार्टी में भी शामिल हुई। इस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसके अलावा वो एक 5-स्टार होटल भी गई। लखनऊ में कनिका जिस पार्टी में शामिल हुई थी उसमें वसुंधरा राजे के साथ साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। यही नहीं, दुष्यंत सिंह कल ही संसद के सेंट्रल हॉल भी पहुंचे थे, जहां वो सुरेंद्र नागर, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के साथ मौजूद थे। मामले का खुलासा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर खुद को आइसोलेशन में जाने की बात की। वसुंधरा ने लिखा, लखनऊ में रहते हुए मैंने अपने बेटे दुष्यंत और उसके ससुराल वालों के साथ रात्रि भोज में भाग लिया था। कनिका जो दुर्भाग्यवश पॉजिटिव आई है वह भी एक अतिथि थी। सावधानी के लिए मेरे बेटे और मैंने तुरंत खुद को क्वारंटाइन किया। हम सभी आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं।
इस पार्टी में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह पूरे परिवार के साथ थे। मामले के खुलासे के बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया है। लखनऊ में किसी कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए और चूंकि पार्लियामेंट में तो हम सारे MPs एक दूसरे से मिलते हैं तो आज ये जानकारी हम ही लोगों को प्राप्त हुई है, तो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता चला है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया है। तो अभी मुझे लगता है कि आगे डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और पार्लियामेंट प्रमाइसिस की जहाँ तक बात है सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कनिका को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उनका परिवार भी क्वारंटाइन में है। मीडिया में खबर आने के बाद उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर पूरे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने लिखा, 10 दिन पहले एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग हुई थी, वो धोखे से नहीं निकली थी, उस समय उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, 4 दिन पहले उनमें लक्षण शुरू हुआ। बाद में कनिका कपूर ने आज तक से फोन पर अपनी सफाई पेश की। मेरा मेडिकल चेकअप पूरा एयरपोर्ट पे पूरी स्कैनिंग हुई है, पूरा मैंने फॉर्म भरा है, प्रॉपर दिया है, मैं एकदम ठीक थी। पिछले 3-4 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हुई है लखनऊ में, और मैं जब से मेरी हल्की सी भी तबीयत ढीली हुई है मैंने फोन करके CMO ऑफिस को और हॉस्पिटल को, 2-3 different लोगों को मैंने खुद फोन करके बोला है कि प्लीज आप मुझे टेस्ट करिए कि हो सकता है कहीं 1% मुझे कोरोना वायरस ना हो, टू बी ऑन द सेफ साइड। उनको 2 दिन लगे मुझे टेस्ट करने में, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि नहीं माइल्ड फ्लू हो सकता है, आप रेस्ट करिए घर पे और बाहर मत जाइए। मैं कहीं नहीं गई हूँ 3 दिन। कल उन्होंने मुझे शाम को बहुत प्रेशर करने के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है और आज सुबह उन्होंने मुझे कहा कि ये पॉजिटिव है। सच क्या है, झूठ क्या है, या तो कनिका जानती है या फिर उनके आसपास के लोग। वैसे कनिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग उन तमाम लोगों को कॉल कर रहा है जो कनिका कपूर की पार्टी में मौजूद थे। इन लोगों को सेल्फ आइसोलेट करने के लिए कहा जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के ताज होटल में हैं, जहां पर 15 तारीख को कनिका कपूर आकर UK से आकर ठहरी थी और उसके बाद उन्होंने नहीं बताया, जिसकी आज पुष्टि हुई कि उनको कोरोना वायरस है। उसके बाद उन्होंने पार्टी अटेंड की थी और ये वही ताज होटल है जहां पर कनिका कपूर रुकी थी। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहां पर आई हुई है, यहां पर ACP और SHO, साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर आई हुई है, जिससे कि उस जगह की जाँच कर सके, उस जगह को वहां पर सैनिटाइज किया जा सके और आगे की जाँच किया जा सके। डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद है, जिससे कि तस्दीक किया सके कि क्या कोई और इसकी चपेट में तो नहीं आया और क्या जरूरत है मेडिकल टर्म में, क्या जरूरत है जिसकी वजह से यहां पर डिसइंफेक्टेंट किया जा सके। अगर तमाम दिशा निर्देश के बावजूद कोरोना प्रभावित देशों से लोग बगैर किसी प्रोटोकॉल से आबादी से घुल मिल जाते हैं तो यकीनन ये चिंता की खबर है। पढ़े लिखे लोगों की ऐसी हरकतें एक बड़ी आबादी को खतरे में डालती हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त मुंबई से अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से देखिए कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उस खतरे को गंभीरता से ना लेना, जिस बात का जिक्र यहां जो तस्वीर इस वक्त कनिका कपूर के मामले में सामने आ रही है, जब वो मुंबई भी पहुंची क्या वहां पर भी कुछ लोगों से उनका मिलना जुलना हुआ था, किस तरह का अभी वहां पर ओवरऑल सिचुएशन है? जी कनिका एक्चुअली लंदन से जब पहुंची तो उनका दुबई में होली का एक इवेंट था जो नहीं हो पाया, तो वो नहीं हो पाया तो उन्हें इसलिए वो मुंबई तो नहीं पहुंची, वो लखनऊ पहुंची और पूरा मामला वहीं से कहानी शुरू होती है कि वहां जब वो निकली तो सिक्योरिटी को उन्होंने थोड़े लैप्स तो उन्होंने तोड़े और चकमा देते हुए वो पहुँच गई और उसके बाद उन्होंने जो पार्टीज इवेंट्स लोगों से मिली तो वहाँ से वो खतरे की कहानी शुरू होती है। इससे पहले हॉलीवुड में भी टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ या फिर एक इंग्लैंड के एक और एक्टर को भी हुआ था, पर उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके अनाउंस किया जो कनिका ने काफ़ी लेट किया, तो प्रॉब्लम थी उस बीच का जो टाइम था जहाँ वो खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर सकती थी वो उन्होंने नहीं किया और वहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी इन्फ्लुएंसर हैं और अगर वो पहले ये कर लेती तो ये सब जो बीच के लोग अब इतने जिन पर सवालिया निशान लग गया है वो नहीं होता। तो ये पूरा मामला एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन का, पूरे वर्ल्ड में हर इंसान का है कि हमें कोई हक नहीं है अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में डालने का, जो कनिका ने किया। बिल्कुल, और इस तरह के कदम से जरूर बचना चाहिए था, जिस बात का जिक्र अमित भी यहां पर कर रहे हैं। लेकिन कनिका कपूर से भी हमने बात करने की कोशिश की थी कुछ देर पहले, मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने जब कनिका कपूर से बात की कि आखिर क्या हुआ था, कैसे उन्हें पता चला और इसके बाद अब वो किस तरह की एहतियात बरत रही हैं,
सुनिए बातचीत। कनिका, आज तक पर हैं आप, सब लोग आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले फिलहाल आप कैसी हैं, आपके सिम्टम्स क्या क्या थे और आपको अभी क्या क्या एहतियात कहा गया है? मैं इस समय बहुत एंग्शियस हूँ और मुझे बुखार है एंड मैं एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मुझे पता नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पर, यहाँ कुछ खाने या पीने को पानी भी नहीं है और मैं थोड़ी परेशान हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं कि यहाँ मुझे मेरे साथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। और यहाँ मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश करी है, उनको उनसे पूछने की कोशिश करी है, तो उन्होंने मुझे उल्टा थ्रेटन किया है कि आपके बारे में हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं दैट आप आपने गलत कुछ किया है और आप एयरपोर्ट से भाग के आई हैं और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई रूमर्स और अफवाहें फैल रही है बाहर, तो हम आपके ऊपर पुलिस केस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे हेल्प नहीं करी है, डॉक्टर ने मुझे यहाँ बैठा कर रूम में एक थ्रेटनिंग कॉल भेजी है। तो मैं थोड़ी एंग्शियस हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे बाहर क्या हो रहा है और ये बातें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। कनिका, पहली बात, आप टीवी पर हैं, हर कोई आपको सुन रहा है, इस बात को आप मानकर चलिए कि आपके साथ कोई ऐसी, मुझे आके हेल्प करनी चाहिए बिकॉज़ आप मैं भारत की, आप पढ़ी लिखी हैं, आप दुनिया भर से घूम कर आ रही हैं, आपने खुद देखा होगा क्वारंटाइन क्या होता है और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, ये बात तो आपको मालूम होगी ना? सर, मैं क्वारंटाइन में ही हूँ लेकिन कम से कम आपको पेशेंट को आपको थ्रेटन तो नहीं करना चाहिए ना, गलत गलत बातें अफवाहें फैलाकर कुछ भी सुनकर आप पूछिए ना हमसे पहले, सच बात तो किसी से पूछनी चाहिए, आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। इसीलिए हम आपको आज तक पर बुला रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे बात की है। इससे पहले मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट भी पढ़कर सुनाया और आपके पिताजी से भी काफी देर लंबी बातचीत की है जिसको सारे देश के लोगों ने सुना है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये खबरें छपी कुछ जगह पर कि आप एयरपोर्ट से छुप कर निकल आए, उसमें कितनी सच्चाई है? सर, आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कोई छुप कर एयरपोर्ट से मतलब निकलेगा कहाँ से और क्यों निकलेगा, ये समझ नहीं आता मुझे। और मैं छुप कर यहाँ से मैं क्यों, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं छुप के कहीं से क्यों भागूंगी? ये बात फैलाई किसने और क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया। आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए आई, आपका एयरपोर्ट पर मेडिकल चेकअप हुआ? मेरा मेडिकल चेकअप पूरा एयरपोर्ट पे, पूरी स्कैनिंग हुई है, पूरा मैंने फॉर्म भरा है, प्रॉपर दिया है, मैं एकदम ठीक थी। पिछले 3-4 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हुई है लखनऊ में, और मैं जब से मेरी हल्की सी भी तबीयत ढीली हुई है मैंने फोन करके CMO ऑफिस को और हॉस्पिटल को, 2-3 डिफरेंट लोगों को मैंने खुद फोन करके बोला कि प्लीज आप मुझे टेस्ट करिए कि हो सकता है कहीं 1% मुझे कोरोना वायरस ना हो, टू बी ऑन द सेफ साइड। उनको 2 दिन लगे मुझे टेस्ट करने में क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि नहीं, माइल्ड फ्लू हो सकता है, आप रेस्ट करिए घर पे और बाहर मत जाइए। मैं कहीं नहीं गई हूँ 3 दिन। कल उन्होंने मुझे शाम को बहुत प्रेशर करने के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया है और आज सुबह उन्होंने मुझे कहा कि ये पॉजिटिव है। आपके पिताजी ने बताया, 3 पार्टीज अटेंड की आपने? सर, हमारे पिताजी ने बताया कि 3 पार्टियां अटेंड करी मैंने? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं। मेरे फ्रेंड, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने, उनकी बर्थडे थी लास्ट वीक 13 तारीख को, उन्होंने उनके स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर से, आप उनका प्लीज नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि ये वो पार्टी थी या फैमिली गेट टुगेदर थे छोटे, ये आपका जिसमें यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, मंत्री थे, सब थे। कनिका, ये कहा जा रहा है कि आपने एक आध नहीं बल्कि 3-4 पार्टीज अटेंड की जिसमें आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आए? नहीं, अटेंड करी है। आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई, आपके पिताजी ने कही ये बात? मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ या कहीं से पढ़ के नहीं कह रहा हूँ इंटरनेट से। सॉरी सर, आप मुझे फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। कह रहा हूँ आपके पिताजी ने कहा कि आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई हैं पिछले कुछ दिनों में इन पार्टीज के दौरान। ये मेरे पिताजी कह ही नहीं सकते क्योंकि 300-400 लोगों की कोई पार्टी हुई नहीं है। तो कनिका कपूर से ये पूरी बातचीत आपने सुनी, लेकिन खतरा बरकरार है और इसलिए देखिए फैसले भी लगातार हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सभी मॉल बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 21 से 23 मार्च तक राजधानी के सभी बाजार भी बंद रहेंगे। दिल्ली के सभी सलोन, ब्यूटी पार्लर्स बंद करने का फैसला लिया गया है, यानी हर वो जगह जहां पर
लोगों के ज्यादा एकत्र होने की संभावना होती है। बाजार, सैलून, पार्लर्स, इन सब को बंद करने का फैसला लिया गया है। एहतियातन सरकार ने ये कदम उठाए हैं। 22 मार्च को दिल्ली मेट्रो पर भी बंद का फैसला लिया गया है। इन फैसलों को लेकर आप चिंता ना जाहिर करें, लेकिन इन फैसलों को एहतियात के तौर पर देखें कि ये आपको बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के सभी मॉल पर ताला। बाईस मार्च को मेट्रो पर रोक। इंडिया गेट पर लोगों के लिए बंद। कोरोना का कहर और उसके बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्कूल कॉलेज तो पहले ही बंद थे, अब दिल्ली सरकार ने तमाम मॉल पर ताला लगाने का फैसला किया है। यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को दूर रखने की एक और कोशिश की गई। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज ये अनाउंसमेंट किया कि अब राजधानी में सभी मॉल्स बंद रहेंगे। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के V3S मॉल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हालांकि दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, लेकिन जब हमारी दुकानदारों से बात हुई उन्होंने हमें बताया वो इसीलिए क्योंकि ये अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ है, उनके पास दिल्ली सरकार से कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिस या सर्कुलर आ जाएगा वो दुकानें बंद कर देंगे। हालांकि सरकार ने जरूरी चीजों को बंद से मुक्त रखा है, यानी सब्जी, मेडिकल स्टोर और किराना दुकानें खुली रहेंगी। ऐसे में किसी भी शख्स को घबराने की जरूरत नहीं है और एकदम से सामान स्टोर करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली के लोग भी इस व्यवस्था को सही बता रहे हैं। हमें इस पूरे कदम का मोदी जी के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा प्लान निकाले हैं, बट एक दिन का नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अभी आगे भी निकाले जब तक ये बीमारी खत्म ना हो। ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे। के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने फैसला किया तो बहुत ही अच्छा फैसला है और इसका स्वागत योग्य है। आएगी दिक्कतें तो आएंगी, मगर ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए और वायरस से थोड़ा फाइट करने के लिए वी शुड सपोर्ट। एक दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला किया। लोगों के साथ बैठकर खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई। मुख्यमंत्री ने कल चेताया कि सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी तक हो सकती है। चाहे वो क्वारंटाइन पे पर्सन हो, चाहे वो सस्पेक्ट हो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो, अगर वो आपके पेज वहाँ पे आया तो ठीक होने से पहले भागेगा नहीं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहले ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐतिहासिक इमारतें बंद हैं। इंडिया गेट के पास लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए इसे भी बंद कर दिया गया है। कोविड-19 या कोरोना वायरस का हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ा है, यह आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया गेट पे। इंडिया गेट जहाँ रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं वो आज सुनसान पड़ा है। हर तरफ बैरिकेडिंग हुई है, बैरिकेडिंग पे लिखा है इंडिया गेट बंद है कोरोना वायरस की वजह से। आप देख पाएंगे दूसरी ओर पुलिस भी तैनात है ताकि कोई यहाँ अंदर ना आ सके। कोरोना के खतरे को कम ना समझे, पूरी दुनिया में अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सावधान रहें, गाइडलाइन का पालन करें, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना को मात देने का यही सबसे कारगर तरीका है। ईशा गुप्ता और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त और जानकारी के साथ मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए दिल्ली के मद्देनजर तमाम फैसले लिए गए हैं, मॉल्स बंद करने का, सैलून पार्लर्स को बंद किया गया है, लेकिन खतरा तो संसद तक पहुंच गया है। किस तरह के और इंतजाम अभी आप वहां देख रही हैं, कितने तैयार हैं हम दिल्ली के लिहाज से, राजधानी की अगर बात करें तो? बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में जाहिर तौर पे चाहे वो सड़क हो या संसद हो या सोसाइटीज़ हो, कोरोना को लेके चिंताएं और आशंकाएं बढ़ती चली जा रही है। और वो जो डर सबको था वो आज कहीं ना कहीं संसद में भी नज़र आया, जब दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं उनको लेके तमाम सांसदों के बीच हड़कंप मच गया।
मीनाक्षी वो तस्वीर काफ़ी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि वो तस्वीर 18 मार्च की है जब वो राष्ट्रपति के पीछे खड़े हुए हैं। और इस तरह से तमाम सांसद जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं, तमाम नेता जो दुष्यंत सिंह से मिले थे कि उन्होंने कई मुलाकातें की वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो आप जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक मैकेनिज्म है जिससे कोरोना के बढ़ने को रोका जा सकता है, और यही वजह है कि चाहे मॉल्स हो चाहे मेट्रो हो जो कि संडे को बंद होंगी या फिर बड़ी बड़ी मार्केट्स उनको बंद किया जा रहा है, वो इस वजह से कि आप खुद भी कोरोना से बचे और दूसरों को भी बचाए, और शायद हमारे सांसदों को भी यही सबक सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये वक्त की जरूरत इस वक्त मौसमी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र मौसमी भी कर रही थी कि देखिए खतरा संसद तक कैसे पहुंच गया, लेकिन आपको देश भर की तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरह से बड़े फैसले अब तक कोरोना वायरस के मद्देनजर लिए गए हैं। ये फैसले इसलिए भी अहम है क्योंकि जब सार्वजनिक जगह जहां पर ज्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं उन्हें बंद करना जरूरी है। देखिए महाराष्ट्र में क्योंकि हालात से खराब है तो लिहाजा मुंबई, पुणे, इसके अलावा नागपुर, इन इलाकों में, इन शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली के भी सभी मॉल्स को बंद किया गया है, सैलून हो, पार्लर हो, इन्हें बंद किया गया है, रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश के भी सभी मॉल्स को बंद कर दिया गया है। आर्थिक नुकसान तो एक मोर्चे पर झेलना ही पड़ेगा, लेकिन पहली चुनौती इस वक्त सरकार के सामने यह है कि जो कॉन्टैक्ट के जरिए सामाजिक दूरी ना बनाए रखने के जरिए वायरस फैलने की संभावना है उन्हें जिस स्तर तक भी कम किया जा सके वो किया जाए। यूपी के राजधानी लखनऊ के भी सभी बाजार को बंद किया गया, यानी जिस तरह से फैसला दिल्ली में लिया गया है वैसा ही असर जो है उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, लखनऊ में भी। अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं उन्हें आने से मना कर दिया गया है। हरियाणा में देखिए धारा 144 लागू है कि सड़कों पर भी, आम जगहों पर भी लोग एक चार से ज्यादा की संख्या में इकट्ठे ना हो। जम्मू में सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगाई गई है, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे फिलहाल रोका गया है ताकि जहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं उन्हें रोका जाए। लद्दाख में देखिए सरकारी दफ्तर 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तो ये तमाम इंतजाम जो अलग अलग राज्यों की सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं ये इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप जहां भी रहते हैं, जिस राज्य में भी हैं, आप सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर मुंबई से, क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उद्धव ठाकरे ने मुंबई, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और नागपुर को बंद करने का फैसला दिया। हालांकि इस बंदी से जरूरी सेवाएं बाहर होंगी। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज जो कंफर्म हुए हैं, जो कंफर्म केसेस हैं, वो महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। अब तक पूरे देश में 230 मामले हैं, तो वहीं अकेले महाराष्ट्र में 52 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई बंद, पुणे बंद, पिंपरी चिंचवड़ बंद, नागपुर बंद, महाराष्ट्र के चार शहरों में करीब करीब लॉकडाउन। कोरोना के हमले से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सूबे के चार शहरों को बंद कर दिया गया है। तमाम दुकानें 31 मार्च तक बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज पर तो पहले से ही ताला लगा था। यानी महाराष्ट्र के चार शहर मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर करीब करीब लॉकडाउन जैसे हालात तक पहुंच गए हैं। घरात राहा, घराबाहेर जाऊ नका, अनावश्यक प्रवास करू नका। त्याच वेळेला ही लोक आपल्यासाठी 24 तास आपल्यासाठी आणि आपल्यासाठीच आपलं सर्व काही विसरून ही तिथे लढत आहेत, शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत। जर ते 24 तास आपल्यासाठी काम करत असतील तर आपण त्यांना मदत करताना आपण आपल्या घरामध्ये राहू शकत नाही का? हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए जरूरी सेवा को इस बंद से बाहर रखने का फैसला लिया है। इस जरूरी सेवा में राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें, लोकल ट्रेन और बस सेवा चलती रहेगी। कि एक वेगळ्या अर्थाने युद्ध है, विषाणूंशी युद्ध है, वॉर अगेन्स्ट वायरस। सगळे डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉयज, अगदी पोलीस यंत्रणा, इतर सगळ्या समाजसेवी संस्था, मग आपले बसेसचे ड्रायव्हर्स असतील, एसटीचे असतील, सर्व ही सरकारी यंत्रणा आज वीरासारखे आपल्यासाठी आपलं घरदार कुटुंब
किंबहुना स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता हे आपल्यासाठी लढ. अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया. तो आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 52 लोग अकेले महाराष्ट्र में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पूरे देश में कोरोना से 210 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे जैसे कई इलाकों में दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स यानी कि जहां से आप रोजमर्रा का सामान, मेडिकल की दुकानें, दूध की दुकानें, यही कुछ चीजें हैं जो खुली रह सकती हैं. आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं. भाई साहब, आप अगले 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया आपको. 31 मार्च तक बंद कर पाएंगे अपनी दुकानें? हाँ, कर देंगे. कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं नहीं. महाराष्ट्र सरकार ने 8वीं तक की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है. 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, लेकिन 9वीं और 11वीं की परीक्षा को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है. इससे पहले राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेजों, सिनेमा घरों, मॉल समेत सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया था. पूरे देश में कोरोना को लेकर दहशत है. महाराष्ट्र पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है. कोरोना वायरस का खतरा महामारी की शक्ल में चुनौती के तौर पर हमारे सामने है, लिहाजा जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है. ऐसे में सरकार के साथ खड़े रहें, सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा खुद करें. विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक. आर्थिक मोर्चे पर एक जबरदस्त नुकसान की तस्वीर जरूर दिखाई देती है, लेकिन सवाल यहाँ पर जिंदगी का है और जिंदगी इन सबसे बहुत बड़ी है. एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं. देखते रहिए आज तक.